एक टीम बर्फ के पहाड़ी पर ड्रिलिंग का काम कर रही होती है और उन्हें खुदाई करते वक्त 10,000 साल पुराना बर्फ में जकड़ा हुआ एक बहुत बड़ा क्रीचर मिलता है। और हैरानी की बात ये कि वो अभी भी जिंदा था, जिसे वो लोग फ्री करना चाहते थे। लेकिन उस गांव में रहने वाले लोगों को जब इस बात की खबर मिलती है, तब वो सारे लोग उस आदमी को खत्म करने आते हैं। इस कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका की एक टीम फिनलैंड में बर्फीले पहाड़ों पर ड्रिलिंग का काम करने के लिए आई हुई थी। और तभी कंपनी के मैनेजर रैली के पास उसका एम्प्लॉई ब्रायन आता है और कहता है कि जमीन के 400 मीटर नीचे खोदने पर हमें लकड़ी का काफी ज्यादा बुरादा मिला है, शायद हमें और खोदना नहीं चाहिए। तो रैली कहता है पुराने जमाने में बर्फ स्टोर करने के लिए लकड़ी के ही चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। जमीन के नीचे जरूर कोई कीमती चीज होगी जिसे बर्फ के अंदर स्टोर करके रखा होगा, वो चीज क्या है जानने के लिए हमें ड्रिलिंग करते रहना चाहिए। वही दूसरी जगह पे हम बहुत बड़ी ड्रिलिंग साइट देखते हैं। वही आगे हम पाइटेरी और जुनो नाम के बच्चों को देखते हैं जो पास ही के गांव में रहा करते थे। दोनों भी चुपके से ड्रिलिंग का काम देख रहे थे। अब यहां पे ड्रिलिंग करते करते ब्रायन को जमीन में से एक बर्फ का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर रैली सारे वर्कर्स को कहता है कि आने वाले 24 दिनों में क्रिसमस है और हमें जमीन से इस बर्फ को 24 दिनों के अंदर ही निकालना होगा। अब 24 दिनों में इतनी सारी चीजें करने के लिए ये लोग डायनामाइट यूज करने का सोचते हैं। वही जुसू वो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती थी और वो ये सारी बातें अपने दोस्त पाइटरी को बता रहा होता है कि इस बहुत बड़े माउंटेन को ये लोग अब उड़ाने वाले हैं। दोनों भी फटाफट माउंटेन के नीचे आते हैं और दोनों ने फेंस को जो होल बनाया था उसके थ्रू ये लोग जाने लगते हैं। तभी पाइटेरी कहता है कि मैंने कहानियों में पढ़ा था इस पर्वत के नीचे तो सांता क्लॉज को कैद करके रखा हुआ है। इन दोनों की ये बातें चली रही होती है कि तभी हम देखते हैं पहाड़ी पर सारे वर्कर्स एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं। वहीं घर जाकर पाइटेरी अब सांता क्लॉज के बारे में किताब में पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि सांता क्लॉज नंगे पैर बर्फ पर चलते हैं, सांता क्लॉज काफी बुरे होते हैं और क्रिसमस में वो आकर बच्चों को मारते हैं। ये सब कुछ पढ़कर पाइटेरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो वही इसी तरह वर्कर काफी दिनों तक काम करते हैं और अब क्रिसमस को बस एक ही दिन रह गया था। और इधर हम पाइटेरी के पिता रोनो को देखते हैं जो कि घर के बाहर एक वुल्फ ट्रैप बना रहे होते हैं। और पाइटेरी घर के पीछे तरफ होता है और उसे किसी के पैर के निशान दिखाई देते हैं। ये देख वो काफी डर जाता है क्योंकि इतने दिनों तक वो सिर्फ सांता क्लॉज के बारे में ही किताब पढ़ रहा था और जो भी उसने पढ़ा था वो अच्छा नहीं था, इसीलिए वो अब सांता क्लॉज से काफी डर रहा था। इसीलिए वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि घर के बाहर जो पैरों के निशान है क्या वो आपके हैं? तो पिता मना कर देते हैं, लेकिन ये सुनकर पाइटेरी को अब लगने लगता है कि वो पैरों के निशान सांता क्लॉज के है। खैर अब कुछ देर के बाद पाइटेरी अपने पिता के साथ रेनडियर का शिकार करने के लिए एक जगह आता है जहाँ पे गांव के काफी सारे लोग भी आए हुए थे ताकि ये लोग रेनडियर को मार के उन्हें बेचकर पैसे कमाएं। तभी जुनो और उसके पिता एमो भी शिकार करने के लिए आए रहते हैं। तभी पाइटेरी अपने दोस्त जुनो से जाकर कहता है कि उन इंग्लिश वर्कर ने सांता क्लॉज को आजाद कर दिया है और वो मेरे घर के बाहर आया था, लेकिन जुनो उसके बात पर ध्यान नहीं देता। और तभी इनकी तरफ रेनडियर का एक झुंड आता है, पर उस झुंड में सिर्फ दो ही रेनडियर्स होते हैं, जो देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। अब इन्हें यहाँ पे शिकार नहीं मिलता, इसके चलते रेन नाम का आदमी रोनो, एमो, पाइटेरी और जुनो इन चारों को लेकर स्नोबोमाइल में बिठाकर रेनडियर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही ट्रिलिंग वाली जगह के पास पहुंचकर इन्हें रेनडियर का पूरा झुंड दिखाई देता है, पर उन सबको किसी ने मार दिया रहता है। इसी बीच में इन्हें फेंस में एक होल नजर आता है जो कि पाइटेरी और जुनो ने बनाया था ताकि वो पहाड़ के ऊपर जाकर ड्रिलिंग देख सके, लेकिन वो दोनों किसी को भी इस बात के बारे में बताते नहीं है। और सबको लगता है कि इन कंपनी वालों ने ही ये होल बनाया है और उस होल के जरिए जंगली वुल्फ ने आकर रेनडियर को मार डाला है। अब इस सीजन इनका काफी नुकसान हो गया था, जिसके चलते रोनो डिसाइड करता है कि कंपनी वालों से वो बात करेगा और उनका नुकसान के लिए उन्हें कंपेंसेशन देना होगा। तो अब यहाँ पे गांव के सारे लोग कंपेंसेशन लेने के लिए कंपनी के फेंस को तोड़कर पहाड़ के ऊपर आते हैं, लेकिन कंपनी के ऑफिस के अंदर जाने पर
पर इन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता और ड्रिलिंग वाली जगह पर तो इन्हें बहुत ही बड़ा होल बना हुआ मिलता है। ये देख गांव वाले भी काफी हैरान थे कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये लोग फ्लेयर गन डाल के देखते हैं कि ये खड्डा कितना गहरा है, लेकिन उन्हें कोई भी अंत दिखाई नहीं देता। अब इन्हें यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए सभी लोग अपने घर की तरफ चले आते हैं। जहाँ पे जुसू पाइटेरी के घर आता है और तभी पाइटेरी जुसू को सांता क्लॉज की ड्रॉइंग दिखाता है और कहता है कि सदियों पहले हमारे गांव के लोग सांता क्लॉज से काफी परेशान थे। वो लोगों को मारा करता था और इसीलिए एक दिन सब ने सांता क्लॉज को ट्रैप में फंसा कर बर्फ के नीचे दफना दिया था। लेकिन जुसू ये सब कुछ सुन के हंसने लगता है और कहता है कि सांता क्लॉज बुरे नहीं होते और अपने घर आता है। इसके बाद पाइटेरी अपने पिता से जाकर पूछता है कि आपको बुरा लगेगा अगर एक दिन में अचानक गायब हुआ तो। लेकिन उसके पिता काफी दुखी होते हैं क्योंकि उसे अपनी पत्नी की याद आ रही होती जो कि इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए वो अपने बेटे के बातों पर ध्यान नहीं देते। तो यह दूसरी जगह पे हम कंपनी का वही वर्कर ब्रायन को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ था और इनके यहाँ पे काफी भगदड़ मची हुई थी और वो रेडियो पर रायली से उसे रेस्क्यू करने के लिए मदद मांग रहा होता है। ब्रायन रायली से कहता है जो चीज हमने जमीन के अंदर से निकाली है वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर यानी सांता क्लॉज आकर ब्रायन के साथ सभी वर्कर्स को मार देता है। वही सीन अब अगले दिन आता है जब क्रिसमस का दिन था, जहाँ पे रोनो घर के एक चिमनी में एक ट्रैप मिलता है। तभी पाइटेरी अपने पिता से कहता है कि ये ट्रैप मैंने सांता क्लॉज को पकड़ने के लिए रखा था क्योंकि वो चिमनी से ही आते हैं। पर रोनो को लगता है कि पाइटेरी उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद फिर पाइटेरी और रोनो दोनों भी वुल्फ ट्रैप के पास जाते हैं, जहाँ पे रोनो को ट्रैप के अंदर एक बुजुर्ग इंसान की लाश मिलती है जो कि ट्रैप में गिरने से मर गया होता है। ये देख रोनो तुरंत अपने बेटे को घर के अंदर लेकर आते हैं। इसी दरमियान रेन सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर पाइटेरी को क्रिसमस विश करने के लिए घर आ रहा होता है, लेकिन रोनो उसे रोकता है और अपने मदद के लिए उसी ट्रैप के पास लेकर आता है और दोनों भी उस लाश को उठाकर स्लॉटर हाउस में लेकर आते हैं और पाइटेरी भी चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। रोनो और रेन उस आदमी की तलाशी लेते हैं और उन्हें किसी और का जैकेट मिलता है जिसमें उन्हें ब्रायन का पासपोर्ट मिलता है, वही वर्कर जो पिछली रात मर गया था। अब इस बुजुर्ग को मरा हुआ समझकर रोनो उसके लाश को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन तभी रोनो की नजर जाती है और वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पाइटेरी को देखते हैं जो उसे ट्रैप के अंदर जाता है, जहाँ पे उसे एक डरावनी डॉल मिलती है और वो वापस अपने पिता को चुपकर देखने लगता है। लेकिन तभी रोनो की नजर जाती है पाइटेरिन पर और ये देख पाइटेरिन डर के वहाँ से भागने लगता है और वो सीधा हाईवे की तरफ जाने लगता है। ये देख रोनो भी अपनी गाड़ी निकालते हैं उसे रोकने के लिए। तभी आगे जाने पर वो देखता है कि इसका बेटा अकेला था, इसीलिए टाउन का शेरीफ उसे अपने गाड़ी में बिठा लेता है। रोनो भी उनका पीछा करता है और शेरीफ आकर ओमो के घर के सामने गाड़ी रोकता है और सारे टाउन के लोग आते हैं, जहाँ पे शेरीफ बताता है कि कल टाउन में काफी सारी चोरियां हुई है, लोगों के हीटर गायब हुए हैं। इसी दरमियान पाइटेरी अपने दोस्त जोसो के घर पे जाता है, लेकिन जोसो उसे वहाँ पे नहीं मिलता। पर तभी पाइटेरी को वैसी ही एक डरावनी डॉल मिलती है जो उसने रास्ते पे देखी थी, जिसे लेकर पाइटेरी बाहर आता है। सांता क्लॉज जोसो को अपने साथ लेकर गया है, लेकिन उसके बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता, जिसके बाद शेरीफ वहाँ से चला जाता है। फिर रोनो एमो से कहते हैं कि मुझे एक ओल्ड मैन मिला है जो इंग्लिश में कुछ बड़बड़ा रहा है, सिंस तुम्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है प्लीज मेरी मदद करो, और उसे लेकर वो अपने स्लॉटर हाउस में आने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जो रेन होता है वो अभी भी उस बुजुर्ग के ऊपर नजर रखे होता है और तभी वो होश में आता है और वो रेन के ऊपर सीधा हमला करके उसका एक कान काट लेता है। वही कुछ देर के बाद रोनो और एमो भी वहाँ पे आते हैं और रेन की यह हालत देखकर तीनों फिर हथियारों के साथ उस ओल्ड मैन के पास जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ जो पाइटेरी होता है वो सारे दोस्तों के घर पे कॉल करने लगता है ये देखने के लिए कि कौन कौन घर पे है, लेकिन उसे पता चलता है कोई भी दोस्त उसका फोन नहीं उठा रहा है और पाइटेरी समझ जाता है कि सांता क्लॉज ने ही उसके दोस्तों को गायब कर दिया है। वही दूसरी तरफ ओल्ड मैन कपड़े निकाल कर बैठा हुआ होता है और वो किसी के भी सवालों के जवाब नहीं दे रहा होता है। पर तभी वहाँ पे पाइटेरी आता है और रोनो से चुपके से कहता है कि सारे बच्चे सांता क्लॉज ने गायब कर दिए हैं और ये
अजीब आदमी सांता क्लॉज है। वो आदमी भी पाइटरी को देखने लगता है और अब जाकर सारे लोगों को पाइटरी की बात पर यकीन आने लगता है और इसीलिए वो लोग ओल्ड मैन को बांध देते हैं। इसी बीच में जैकेट में रखे हुए रेडियो पर राइली का कॉल आता है, जिसे अभी तक पता ही नहीं होता कि उसके सारे एम्प्लॉय मारे गए हैं। और तभी राइली बताता है कि कुछ हादसा हुआ था जिसके चलते एक प्रॉब्लम आ गई है और जल्दी पहाड़ पर मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, तुमने जिस भी किसी किलर को पकड़ा है उसे वहीं पर लेकर आना। अब यहाँ पे सब लोग इसी इंसान को सांता क्लॉज समझ रहे थे प्लान, इसीलिए रोनो का प्लान कुछ और होता है और वो लोग सांता क्लॉज यानी इस ओल्ड मैन को राइली को देने के बदले में पैसे का डील करने का सोचते हैं, जिसके बाद ये लोग सांता क्लॉज को रेन के सांता क्लॉज वाले कपड़े पहनाकर पहाड़ी पर लेके आते हैं। या फिर राइली आता है और इधर राइली सांता क्लॉज के पास जाता है, लेकिन तभी सांता क्लॉज की आंखों का रंग बदलने लगता है और ये देखकर राइली समझ जाता है कि ये सांता क्लॉज नहीं बल्कि सांता क्लॉज का एक एल्फ है। और तभी इन लोगों को हेलीकॉप्टर के पायलट की चीखने की आवाज आती है और फिर वो पायलट कहीं पे अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद वहाँ अचानक से काफी सारे एल्फ्स आते हैं और राइली को मार देते हैं। लेकिन रोनो और बाकी सारे लोग एक हैंगर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत ही बड़ी बर्फ की लादी दिखाई देती है जिसमें से क्लॉज बाहर आए हुए थे और यहाँ पे उन्हें समझ आता है कि यही इविल सांता क्लॉज है जिसे गांव वालों ने दफना के रखा था। और इस बहुत ही बड़े बर्फ के पत्थर को पिघलाने के लिए ही एल्फ्स ने स्ट्रो और हीटर गांव वालों से चुराए थे। तभी वहाँ पर उन्हें काफी सारी बोरियां भी मिलती है जिसके अंदर सारे बच्चे भी बंद होते हैं जिन्हें एल्फ्स ने ही पकड़ के यहाँ पे लाया था। लेकिन तभी सारे एल्फ्स हैंगर का दरवाजा तोड़ने लगते हैं और तब पाइटेरी एक प्लान बनाता है और सबसे कहता है हैंगर में रखे डायनामाइट से हम सांता क्लॉज को मार सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें इन सारे एल्फ्स को यहाँ से दूर जंगल में एक तबेला है वहाँ पे बंद करना होगा। अब यहाँ पे रेन को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता था इसीलिए वो कुछ वहाँ पे पड़े हुए ब्रेड्स के टुकड़े लेता है और सारे एल्फ्स का ध्यान भटकाता है। फिर वो हेलीकॉप्टर चालू करके हैंगर के छत पर आता है, जिसके बाद पाइटेरिन सभी बच्चों को एक नेट में भर कर हेलीकॉप्टर के साथ जंगल की तरफ जाता है जिसके पीछे पीछे सारे एल्फ्स भी आते हैं। वही दूसरी तरफ रोनो और एमो बर्फ के चारों तरफ डायनामाइट्स लगा देते हैं और जाने से पहले ये दोनों सांता क्लॉज के हॉर्न निकाल लेते हैं ताकि इसे बेच कर इन्हें काफी पैसे मिल सके। वही दूसरी तरफ रेन हेलीकॉप्टर को ठीक तबेले के ऊपर लेकर आता है पर तबेले का दरवाजा बंद होता है, लेकिन फिर पाइटेरी खुद नीचे जाकर दरवाजा खोल देता है और तभी वहाँ पे सारे एल्फ्स आते हैं और पाइटेरी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं कि तभी रोनो डायनामाइट्स का ब्लास्ट कर देता है जिसके कारण सांता क्लॉज मारा जाता है। और अब सांता क्लॉज नहीं रहा, इसके कारण ये सारे एल्फ्स वहीं पे रुक जाते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और पाइटेरी ने सारे एल्फ्स को बंद कर दिया रहता है। अब यहाँ पे पाइटेरी रोनो से कहता है ये पूरे 200 एल्फ्स है और इन्हें हम अगले क्रिसमस में बेच सकते हैं और अपने बेटे के बहादुरी के लिए फाइनली रोनो उसे गले लगाता है। अब कुछ महीने आगे का सीन हम देखते हैं जहाँ पे ये लोग एल्फ्स को बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है ये सिखा रहे होते हैं और जैसे ही एक साल के बाद वापस से क्रिसमस आने वाला होता है तब ये एल्फ्स को अलग अलग देशों में सांता क्लॉज के तौर पर भेज देते हैं और काफी मिलियन पैसे कमाते हैं जो कि गांव वाले अपने में बांट लेते हैं और इसी तरह वो लोग अमीर बनते हैं और कहानी खत्म। बाय बाय।